विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर रोटी बैंक यूथ क्लब के सदस्यों ने किया वृद्धाश्रम में वृक्षारोपण। धनबाद के संबलपुर स्थित ओल्ड एज होम में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर रोटी बैंक यूथ क्लब के सदस्यों ने वृक्षारोपण किया। इस मौके पर धनबाद के विधायक राज सिन्हा, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थी। वही धनबाद विधायक राज सिन्हा एवं झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने सर्वप्रथम आश्रम में निवास करने वाले माता पिता तुल्य वृद्ध जनों से मुलाकात की एवं उनका हाल चाल लिया। वहीं पर्यावरण दिवस के मौके पर धनबाद विधायक राज सिन्हा एवं झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह रोटी बैंक यूथ क्लब के संस्थापक रवि शेखर, ओल्ड होम के अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद गद्दी, ऋषभ राज सहित रोटी बैंक यूथ क्लब के सभी सदस्यों ने मिलकर आश्रम परिसर में वृक्षारोपण किया। ऋषभ थोड़ा सामने साइड जा बाबू, अब लग गया। इसी में आम लाइन से लगा, लाइन से मुंह पे लगाना है। हम किए कुछ नहीं, अवार्ड लेके जा रहे हैं। नहीं भाभी अच्छा वाला पेड़ लगाए थे, आम निकल गया, आम निकल गया अभी। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मनुष्य को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। दिवस है और आज के दिन सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो वृक्षारोपण, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार तापमान जो धरती का बढ़ते जा रहा है और हम लोग झेल रहे हैं, जिससे अभी दिल्ली बोले कई एक जगह पे 50-52 डिग्री चला गया और जो एक अनुमान है कि आने वाले दिन में और बढ़ेगा, 55-56 जाएगा, तो इंसान को जीना मुश्किल होगा। और इसका सबसे जो सरल और सुगम उपाय है और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। कैसे जागृत और प्रेरित किया जाए पौधारोपण? पौधारोपण के लिए हम लोग सब लोग प्रयास करेंगे और हम मुझे लगता है कि हर आदमी को संकल्प लेना चाहिए। जितनी अगर हमारी जनसंख्या है, आधे लोग भी अगर वृक्ष लगा करके और उसको बचाने का संकल्प ले लें तो बहुत राहत हमको होगा। और इसीलिए आज हम लोग सुबह में भी हमने वृक्षारोपण किया है अमृत पार्क जो वहाँ पे, अभी ये जो वृद्धा आश्रम है यहाँ पे हम लोग भी बड़ी मात्रा में यहाँ भी आज फलदार वृक्ष, आम और बर, इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे नींबू वबू जैसा गाछ भी लगा रहे हैं, तो यहाँ भी काफ़ी वृक्ष आज लगाए हैं। और इसमें खास करके हमारे साथी हमारे रोटी बैंक के भाइयों ने अच्छा योगदान दिया है, प्रेरित भी किया है लोगों को। और सबको जागरूकता लाने की आवश्यकता है कि हम वृक्ष न केवल लगाएं बल्कि उसको बचाने का भी संकल्प काम करें, तभी हमारा पर्यावरण बचेगा, हम धरती पर सुरक्षित रह सकेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी। आश्रम में आए पहली बार क्या नहीं, यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी, एक तो आने पे दुख भी होता है कि लोग अपने घर में बूढ़े माँ बाप को या कोई असहाय हो गया या कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया तो उसको लोग यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, तो यह एक परिवार किस प्रकार से टूट रहा है और कैसे हम अपने बुजुर्गों को अहमियत नहीं देते हैं, सेवा नहीं कर पाते, यह थोड़ा देख के मन भी काफ़ी यह हुआ। और जो जब मैंने जानकारी लिया तो यहाँ के जो केयर टेकर हैं, जो देखभाल कर रहे हैं, उनका भी पीड़ा को हमने सुना है, कैसे सरकार की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं है। एक तो आज के ज़माने में एक व्यक्ति पर मात्र 40 रुपये, उसी में सब कुछ देखना, यह भी बड़ा अनुचित लग रहा है। और बिजली की समस्या है, तो हमने आज देखा, हमने कहा भी है कि एक इन्वर्टर इनके पास है,
हमने कहा है कि एक बैटरी और एक उनका था कि बूढ़े लोग टीवी वो भी देखेंगे, तो एक टीवी की व्यवस्था हमने कहा है करा देंगे। और जैसे आज फल का सीजन, अभी आम लीची भी है, तो इनको भी हमने कहा है कि भाई लड़कों से कहा है कि ला के दो, कम से कम इनको आम लीची का स्वाद मिले। तो इस प्रकार से, लेकिन मैं सरकार से मांग करूँगा कि जो यहाँ पे मिलता है इनके रहने के लिए जो उसको बढ़ाया जाए। 40 रुपये आज के दिन में कुछ होता नहीं है एक आदमी पर। फिर स्टाफ की भी कमी है और राशन वासन भी उसी में सब इनको इंतजाम करना पड़ता है। काफ़ी समस्याएं हैं, धीरे धीरे हम लोग उसको देखेंगे और सुधार लाने की कोशिश करेंगे। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि जिस तरह से प्रचंड गर्मी पड़ रहा है, इसको देखते हुए मनुष्य को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। 5 जून हर वर्ष पर्यावरण दिवस होता है और हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं उस दिन तो हम लोग जरूर कहीं ना कहीं जाते हैं, लेकिन पर्यावरण एक दिन की चीज़ नहीं है। मैं हमेशा विगत यहाँ पर हूँ या कहीं भी रहूँ, ये बात सबको याद दिलाती हूँ कि कोई भी एक दिन मनाने का महत्व ये होता है कि उस दिन याद दिलाया जाता है कि ये ज़रूरी है। क्योंकि पर्यावरण को अगर आप हर दिन ज़रूरी नहीं समझेंगे तो सबके साथ समस्या है। इस वर्ष ही आपने देखा कि किस तरीके की गर्मी पड़ी है। दिल्ली में 52 डिग्री टेम्परेचर हुआ है, धनबाद में 47 डिग्री टेम्परेचर गया, केंदुआ करकेंद में जहाँ तक जो जानकारी मुझे है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो है मानव जाति जो है विशेष करके वो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रही है। तो मेरी सबसे यही आग्रह है, यही विनती है कि ठीक है, हम अपने जीवन में जैसे जी रहे हैं जिए, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, लेकिन इस पर्यावरण का भी ध्यान रखें, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि छोटी छोटी बातों को कि हम बिजली ना वेस्ट करें, पानी ना वेस्ट करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो भगवान बना सकते हैं, जो इंसान नहीं बना सकता, उनको हमें बर्बाद करने का भी हक नहीं है। पर्यावरण का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आइए किसी दिन पेड़ लगा के चले जाइए। सिर्फ पेड़ से ही पर्यावरण नहीं है, पर्यावरण मतलब मिट्टी भी है, पर्यावरण मतलब हवा भी है। तो ऐसी चीज़ें जो भगवान बनाते हैं उन्हें हमें बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। तो उनको सबको मेरी यही विनती और आग्रह रहेगी कि आप भी अपने भविष्य जो आपके बच्चे हैं घर में उनको ये बात बताइए, उनको जागरूक कीजिए इसके बारे में, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये समय मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसे ही हालात आगे बने रहे तो। वही आश्रम के अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद गद्दी ने आज हमारे आश्रम में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर धनबाद के विधायक राज सिन्हा एवं झरिया के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह आए और हमारे आश्रम में निवास करने वाले माता पिता तुल्य वृद्ध जनों से मुलाकात किए एवं उनका हाल चाल जाना और हमारे आश्रम परिसर में पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधा लगाया। इसके लिए मैं धनबाद विधायक राज सिन्हा एवं झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्रम रोटी बैंक के रवि शेखर जी के द्वारा आज माननीय धनबाद विधायक, झरिया विधायक, इन लोगों ने आकर के आज हमारे बुजुर्गों के बीच आश्रम में बहुत सारे पेड़ लगाए और सबको मिठाइयाँ आम खिलाएं। और मैं उन सब दोनों विधायक जो हैं हमारे, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो आज हमारे ऐसे बुजुर्ग माँ बाप के बीच आ कर के और एक जो पेड़ लगा है, इनका आने वाले समय में एक फल और छाँ दोनों मिलेगी और समाज में हर जगह ये प्रोग्राम होना चाहिए। कितना वृक्ष लगाएगी? अभी 50 के करीब लगाएगा। रोटी बैंक यूथ क्लब के संस्थापक रवि शेखर ने कहा कि आज रोटी बैंक यूथ क्लब की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ओल्ड एज होम में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर धनबाद के विधायक राज सिन्हा एवं झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने अपने हाथों से पौधा लगाया। हम सभी रोटी बैंक यूथ क्लब के सदस्य धनबाद के लोगों से ये अपील करते हैं कि सभी लोग पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि पौधा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग ओल्ड एज होम में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और विशेष रूप से आज धनबाद विधायक राज सिन्हा जी और झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह जी मौजूद थे। और हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि इस ओल्ड एज होम में हर एक जगह पेड़ लगेगा, जिससे कि यहाँ के रहने वाले लोगों को सुविधाएं मिलेगी। और साथ ही हर साल रोटी बैंक यूथ क्लब के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता है और ये लगातार चलता रहेगा। इसके बावजूद जहाँ जहाँ हम लोगों ने अभी तक वृक्षारोपण किया है, वहाँ भी हम लोगों ने इस बार भी जाके सर्वे किया, सारे वृक्ष लगे हुए हैं और यहाँ भी लगा है। यहाँ भी देखभाल करने के लिए लोग रखा जाएगा और पानी की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध करवाई जाएगी। देखा जाता है लोग वृक्ष तो लगा जाते हैं,
उसके लिए मैं ये कहूँ जो लगाते हैं कम से कम उस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति रहते हैं उनसे संपर्क करके बोले भैया इसका देखभाल आप अगर कर सकते तो ठीक है, और नहीं तो जो लगाते हैं वो सप्ताह में एक दिन आके यहाँ देख ले कि लगाए कि नहीं। हम लोग बहुत प्रयास करेंगे कि इसको सही सलामत रखें। अभी तक अब हम लोग टोटल अभी 50 पौधा लेके आए थे और विधायक जी के द्वारा भी 10-10 पौधा लेकर आया गया है, कुल मिला के 70 पौधा भी हम लोग यहाँ लगाएंगे।